दैनिक दबंग दुनिया एवं श्री गुजराती समाज के संयुक्त तत्वाधान में मध्य भारत के सबसे बड़े डाकला गरबा महोत्सव में फिल्म जगत की मशहूर अदाकार जीनत अमान ने शिरकत की। इस बीच जीनत अमान ने दबंग न्यूज से विशेष चर्चा कर अपने फिल्मी करियर के बारे में बात की। वहीं चर्चा के दौरान डाकला महोत्सव की भी जमकर तारीफ की। नमस्कार, ख्यात बॉलीवुड अभिनेत्री जीनत अमान दबंग दुनिया के डाकला गरबा महोत्सव में शिरकत करने इंदौर पधारी है। आपका स्वागत है मैडम। कैसा लग रहा है आपको डाकला गरबा महोत्सव में आप आए हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बताया गया है कि बहुत सारे लोग आएंगे, नाचेंगे, सेलिब्रेट करेंगे गरबा नवरात्रि। और जो किशोर वधवानी जी ने जो मुझे बुलाया है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, क्योंकि ये ऐसा माहौल इस वक्त होता है जब सारे लोग आते हैं, सब इन्जॉय करते हैं, सब देवी माँ का यू नो सेलिब्रेशन करते हैं। सो इट्स अ वंडरफुल ओकेशन टू बी हियर। जैसा कि आप 70 और 80 के दशक में बहुत सफल और लोकप्रिय अभिनेत्री रही है, और काफ़ी कुछ सालों से आप एकदम पर्दे से दूर है, इस दूरी का क्या कारण है, क्या वजह मानते हैं आप? बस जिंदगी कुछ ऐसी है कि यू नो एट सम टाइम यू वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड सम टाइम यू डोंट वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। मैं अपने पर्सनल लाइफ में काफ़ी बिजी थी और खुश भी हूँ इसमें। आपने अमिताभ बच्चन जी, धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी, विनोद खन्ना साहब और उस समय के जो तमाम सुपरस्टार थे उनके साथ काम किया है, कैसा लगता है वो अनुभव, कैसा था आपका, कैसा महसूस होता था? जाहिर है अच्छा ही होगा। बहुत मेहनत की हम लोगों ने, मेहनत की इसलिए नाम कमाया, मेहनत के बगैर कुछ होता नहीं है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं लेकिन आपको तो बहुत, आपने बहुत इन्जॉय किया होगा जब आप उरूज पे थी, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि हम लोग, मेरा सारा वक्त स्टूडियो 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 घर में चला जाता था, और उस वक्त कुछ एहसास भी नहीं था कि इतना काम कर रहे हैं। लेकिन कम से कम 80 फिल्मों से ज़्यादा मैं मेन प्रोटैगनिस्ट, फीमेल प्रोटैगनिस्ट रह चुकी हूँ, तो अच्छा वक्त था, मेहनत का वक्त था। मनोज कुमार जी, राज साहब और देवानंद साहब के साथ भी आपने काम किया है, किस तरह से प्रोत्साहित करते थे आपको? सॉरी, किस तरह से प्रोत्साहित करते थे, किस तरह से आपको इंक्रेज करते थे? इंक्रेज इंक्रेज करते थे। देखिए, हर एक इंसान का अलग तरीका होता है, ख़ासकर जो डायरेक्टर हो, सब अपने अपने ढंग से डायरेक्शन करते हैं, लेकिन उनमें एक कॉमन थ्रेड था कि वो सिनेमा के बहुत शौकीन थे, शौकीन, मेहनती, और जो भी काम करते थे तो दिल से, पैशन के साथ काम करते थे। ये उन सबका कॉमन थ्रेड था जी। और सब म्यूज़िकल थे, इन सब फिल्मों में गाने बहुत खूबसूरत हैं, चाहे सत्यम शिवम सुंदरम हो, चाहे रोटी कपड़ा मकान हो, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स एंड ब्यूटीफुल म्यूजिक। जी हाँ, हरे राम हरे कृष्ण, मेरी करियर वहीं से शुरू हुई है जी। आपने जैसा बताया 80 के करीब फिल्मों में आपने अभिनय किया है, और उसमें से कई ज़्यादातर हिट फिल्में थी, सुपर हिट फिल्में थी, कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा अपनी पसंद है? ये बहुत मुश्किल है, ये ऐसा सवाल है जो किसी माँ से पूछो कि आपके सारे बच्चों में से कौन अच्छा लगता है, ये थोड़ी ना हो सकता है। बहुत लंबा सफ़र रहा मेरा, मैं टीनेजर थी जब मैंने काम शुरू किया, और मेरी जब मेरा पहला बेटा पैदा हुआ, उसके बाद मैंने काम करना बंद कर दिया। तो बहुत लंबा सफ़र रहा और काफ़ी माइलस्टोन्स थे, बहुत अच्छे खूबसूरत फिल्में थे, चाहे नासिर हुसैन साहब की फ़िल्म क्यों ना हो, बी आर चोपड़ा साहब की फ़िल्म, मनमोहन देसाई की फ़िल्म, राज खोसला की फ़िल्म, वंडरफुल डायरेक्टर्स जी। तो मुश्किल है, एक चुनना बहुत मुश्किल है। जैसा कि अभी एक बायोपिक बनाने का दौर चल रहा है, यदि जीनत अमान पे बायोपिक बने तो कौन सी अभिनेत्री आपका रोल? जी, ये सवाल मुझसे कई बार पूछा गया है और मैं वो एक ही जवाब देती हूँ कि मुझे मेरे बायोपिक में मुझे प्रियंका चोपड़ा पसंद होगी। आई लाइक हर वेरी मच, आई एम एन एडमायर ऑफ हर, शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस एंड वेरी ब्यूटीफुल गर्ल जी।
कई एक्टर एक्ट्रेस आजकल राजनीति में भी आए हैं, क्या आप पसंद करेंगे? अरे बाबा, बहुत जिम्मेदारी होती है अगर पॉलिटिक्स में आना, एक बहुत जिम्मेदारी वाली काम है। मतलब कि जो अब आप जब लोग आपको चुनते हैं तो आपको ढंग से काम करना होता है और अपना वक्त देना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। इफ़ यू आर एन ऑनेस्ट एंड ट्रू पॉलिटिशियन देन यू आर वेरी अकाउंटेबल टू द पीपल। तो मुझे ज़रा सा रिलैक्स्ड लाइफ पसंद है। ऐसा है जी। बच्चन साहब 76 साल की उम्र में भी सक्रिय है, क्या आप मानते हैं कि मतलब एक्ट्रेस के लिए उस तरह के रोल नहीं लिखे जा रहे हैं, कि क्या कारण मानते हैं आपकी अपने उनके दौर की जो एक्ट्रेसेस हैं? ऐसा भी नहीं है। देखिए, डिम्पल कपाड़िया को अभी इंटरनेशनल फिल्म में काम मिला है, शबाना आज़मी को मिला है, और अभी हाल में मैंने आशुतोष गोवारिकर की फिल्म में एक कैमियो, छोटा सा कैमियो किया है। तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। अब मैं थिएटर करने वाली हूँ, एक मेरा प्ले आने वाला है, तो जैसे ही अनाउंस होगा मैं उस पर ज़्यादा बात करूँगी। अभी हाल कुछ फीमेल ओरिएंटेड फिल्में भी बनी हैं, क्या लगता है आपको ये बदलाव आ रहा है? ज़रूर आ रहा है। जैसे हमारा डेमोग्राफ जो है ना इंडिया का, मेरा ख्याल है कुछ सालों में जो यूथ है ना वो सीनियर सिटीजन्स उसको बैलेंस कर देंगे। मेरा ख्याल है इन अनदर 10-15 ईयर्स बैलेंस बिल्कुल बराबर होगा। कहते हैं कि ना इंडिया इज़ अ वेरी यंग नेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूथ, लेकिन 20-25 साल में वो जो सीनियर सिटीजन्स है ना वो उनका बैलेंस होगा। तो जाहिर है वो भी कुछ अपने बारे में फिल्में देखना चाहेंगे पर्दे पे। पहले के बॉलीवुड में और अब के बॉलीवुड में क्या अंतर पाते हैं आप? बहुत फ़र्क है। फ़र्क ये है कि अभी टेक्नोलॉजी बहुत आगे दौड़ चुका है, हर चीज़ डिजिटल है, हर चीज़ एंटरटेनमेंट आपके फिंगर टिप्स पे है ना अवेलेबल है, और एवरीथिंग इज़ मच ईजियर नाउ जी। आर्टिस्ट भी है ना अपना काम देख सकता है, फ़ौरन रीटेक अगर हो तो देख सकता है कि क्या गलती हुई है। उस वक्त तो ऐसा नहीं था, सेल्यूलॉयड था, रशेज़ होते थे, एक हफ्ता लगता था, प्रिंट करते थे, फिर रशेज़ आते थे, फिर देखते थे, बहुत अलग वक्त था वो। अब आसान हो गया। त्योहारों का वक्त चल रहा है, त्योहारों का दौर चल रहा है, क्या संदेश देंगे दर्शकों को आप? I wish you all a very, very happy Navratri and in the future, very happy Diwali also. Have a wonderful time, be very happy and enjoy yourselves. बहुत बहुत धन्यवाद।